जय हिंद दोस्तों। हेड क्वार्टर बंगाल सब एरिया में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आर्मी की तरफ से वैकेंसी है। ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट निकली हुई है, ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर Grade 2 की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें 8 वैकेंसी हैं। और ये जॉब लोकेशन जो रहेगा, हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया की तरफ से बंगाल सब एरिया में रहेगा। इसके बाद 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए जनरल लोगों के लिए। पे लेवल 4 मिलेगा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा, आगे डिटेल में पूरा देंगे इसके। इसके बाद अभी देख लेते हैं LDC की जो वैकेंसी है, 8 वैकेंसी हैं। इसमें हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में वैकेंसी है, और इसमें एक्स सर्विसमैन OBC की 1 वैकेंसी है। बाकी जितनी 8 में एक एक्स सर्विसमैन OBC के वैकेंसी है। 12th पास इसमें मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। पे लेवल 2 मिलेगा, इसमें एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार, यानी कि सर्विस प्लस 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैसेंजर की वैकेंसी 15 वैकेंसियां हैं, जिसमें कि ईस्टर्न कमांड में वैकेंसी है। मैट्रिक पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैसेंजर के लिए। जो भी मैसेंजर में अप्लाई करना चाहता है, मैट्रिक पास यानी कि 10th पास होना चाहिए। इसमें एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए, और पे लेवल 1 मिलेगा। सैलरी इसमें ड्राफ्टी की 1 वैकेंसी है, सफाई वाले की 3 वैकेंसी है, इसमें एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, और गार्डनर की भी 2 वैकेंसियां हैं। जो गार्डनर में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, एक्स सर्विसमैन को किसी तरह की फीस नहीं लगेगी। A4 साइज पेपर में फॉर्म भेजना है A4 साइज में। 21 दिन का टाइम है, आज से 21 दिन यानी कि आज 12/4/2022 से 21 दिन तक फॉर्म पहुंचा हुआ होना चाहिए। इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो मैं बता देता हूँ, लास्ट पेज में फॉर्म की डिटेल दी हुई है। इसमें देख ले फॉर्म कैसे भेजेंगे। पहले ये नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें जो फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट में अगर एक्स सर्विसमैन है तो ESM जरूर लिखें, क्योंकि तभी कैटेगरी का पता चलेगा। अभी फॉर्म भरा जाएगा तो ये ESM में टिक जरूर करें, कैटेगरी ESM में इसमें टिक करके, और इधर भी लिखना है ESM। जब इधर ESM लिखेंगे और पोस्ट का नाम लिखें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर पोस्ट का नाम रहेगा, इधर पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी। इसमें अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना, फादर नेम, मेल फीमेल, ये सारी डिटेल डालनी है। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन को सर्टिफिकेट देनी है, डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट, इसमें फोटोकॉपी इसमें लगानी है, और साथ में भेजना है, उसका नंबर भी लिखना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लिखना, आधार कार्ड नंबर भी डालना है, और इसके बाद सिग्नेचर करके इसमें आपको फॉर्म भेज देना है। इसके बाद ये ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ प्रिंट निकाल के ऐसे पूरा ये भेजना है। 1 पेज का फॉर्म है, सारे कंसर्न डॉक्यूमेंट लगा के भेजना है। 21 दिन का टाइम है आज से। ये था बंगाल सब एरिया ने जो वैकेंसी निकाली हुई है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविलियन के पदों पर वैकेंसी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।